है, और आप लोगों ने बताना है मेरी आइस जो है वो कैसा लग रहा है। देखो ऐ एक ही मैंने खाया, आपको दिख रहा होगा ऐसे। देख मैं ऐसे खोल रही हूँ, मैंने कहा ये क्या चीज़ हुआ। इसका मतलब ये वाटर प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये ऐसा है ना कि अगर आपने गर्मियों में लगानी है इसका जो वो बैरा गर्क हो जाना है, ठीक है। बाकी ये है कि सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और हाय करो सबको, हाय करो। हाय यहाँ पर जो मैं थंबनेल के लिए पिक्चर क्लिक कर रही थी और रोहन इतना परेशान कर रहा था। रोहन चलो मैं आपको सुना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मैंने रात में स्टार्ट किया है, और अभी का ये व्लॉग जो है वो मेकअप अनबॉक्सिंग होगा, ठीक है, जो कि मैं व्लॉग में ये आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मेरा कुछ मेकअप जो कि मैंने परचेज़ किया है, ठीक है, जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक एक चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही पसंद अच्छा तो बहुत ही पसंद आएगी ये वीडियो आप लोगों ने, ठीक है। और बहुत ही जो है वो काम की वीडियो है आप लोगों ने, बस आप लोगों को गौर से देखना है, स्किप नहीं करना है, फुल वॉच देखना है इस वीडियो को, ठीक है। तो आपको जो है वो समझ आएगा कि मैंने क्या कहना है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए अभी जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके प्रोडक्ट। लेकिन हाँ ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आप लोगों ने जो है वो कभी भी मेकअप ख़रीदो तो आप लोग जो है ना वो देख के ख़रीदो, क्योंकि हम जो है ना मेरे से ऐसा दो बार धोखा हो चुका है। तो इस वजह से ना आप लोग कोई भी चीज़ ख़रीदो तो पहले सोचो समझो फिर जाके ख़रीदो। क्योंकि इससे पहले जो मैंने मेकअप ख़रीदा था तो मैंने बॉर्डर मार्केट से लिया था आई थिंक, और फिर उसके बाद जो है मैंने 6,000 का लिया था, लेकिन वो मेकअप इतना ख़ास नहीं था, जो कि अब जो है ना मुझे फिर से ख़रीदना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं ना सोचती हूँ कि जब भी मैं ख़रीदूँ तो ऐसी चीज़ें ख़रीदूँ कि मैं आराम से जो है ना मेरे 2-3 साल जो वो निकल जाए, ठीक है ना। बस ये है कि मेकअप भी करना आना चाहिए आप लोगों को, और बस मुझे मेकअप करना बहुत शौक है। हाँ मैं ना अपने आप पर ट्राई अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन जो है ना वो खुद मतलब अगर किसी को करना होता है ना तो मेरा मुश्किल लगता है मेकअप करना, ठीक है। तो ये है फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन है, आप इसका देख सकते हैं। और पता नहीं क्यों जो है ना वो नंबर सही से दिख नहीं रहे थे कैमरे में, चाहे ऐसा करूँ चाहे वैसा करूँ, पता नहीं क्या कन्फ्यूजिंग थी। बस आप लोगों को जो है ना दिखाना था मेकअप, ठीक है। यह है मेकअप हॉल जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और मेकअप से जो है ना पैन समझो मैं 2 बार गई थी, 2 बार शॉपिंग की थी, और उसमें से भी मैंने कुछ सामान दिखाया, कुछ रह गया था, फिर याद आया क्योंकि रोहान बड़ा मुझे ना परेशान कर रहा था, इस वजह से बड़ी मैं कंफ्यूज थी। और यहाँ पर है प्राइमर जो कि मैं लगाती हूँ मेकअप से पहले, ठीक है। मैं ये ज़रूर जो है ना वो ट्राई कर मतलब ये ज़रूर लगाती हूँ, प्राइमर तो मेरे ना होता ही है, इससे जो है ना आपका मेकअप जो है ना लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है। तो इससे पहले जो है ना आपने लोशन लगाना है, मॉइस्चराइज़र, ठीक है ना। और ये है कंसीलर जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी और देखूँगी लगने के बाद इसका रिज़ल्ट क्या है और कितना टाइम जो है ना ये चलता है वाटर, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग है भी कि नहीं, ठीक है ना। तो बस 2 कंसीलर लिए हैं, एक मिस रोज़ का लिया है, पता नहीं क्यों नंबर सही से दिख ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं अगर जल्दी में होती हूँ ना तो मैं ज़्यादा कुछ फाउंडेशन बस नहीं कंसीलर जो है ना वो लगा लेती हूँ, फेस पाउडर लगा लेती हूँ, मेकअप डन हो जाता है। बस मैं हल्का सा मेकअप करती हूँ, ज़्यादा मेकअप मुझे पर्सनली जो है ना वो पसंद नहीं है, ज़्यादा जो है वो ब्राइडल मेकअप या कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना ये मैंने लिए थे नेल रिमूवर वाइप्स हैं, ठीक है, ये मैंने 2 ले लिए थे क्योंकि मैं नेल पेंट लगा रही होती हूँ ना, तो फिर उससे क्या रहता है कि इजी होता है। तो ये मुझे सही प्राइस में मिल रहे थे तो ये मैंने 2 ख़रीद लिए, क्योंकि ये जो है ना 50 के 2 डब्बियाँ मिल रही थी तो मैंने ख़रीद दी। और इसके बाद जो है ना मैंने ये लिपस्टिक का पैकेट लिया है, कैप्सूल या फिर बबल्स कह लो जो भी, जो मेरे कज़न्स ने लिए थे ना तो वो अलग थे लेकिन ये अलग टाइप के। लेकिन हाँ ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, मैं इस तरह की लगाती हूँ वाटर प्रूफ लिपस्टिक जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और वो तो मैंने अनाबिया के लिए लिया है क्योंकि अनाबिया जो है ना अनाबिया को बहुत शौक है
लिपस्टिक लगाने का, तो ये नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। और मैं सही से दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ कि आपको सही से दिखे, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में और यहाँ पर ये मस्कारा है जो कि बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं था। रात को सोने के बाद जो है ना मेरी आंखें ऐसी काली हो गई थी। मैंने कहा भी था भाई से कि मुझे वाटरप्रूफ देना ताकि गर्मी हो या फिर पसीना आए बंदे को। अभी तो मौसम ठंडा है फ़िलहाल, लेकिन ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। कहा था कि वाटरप्रूफ है लेकिन बिल्कुल भी नहीं था। रात को मेरी आंखें ऐसी काली हो गई थी, सुबह ना भी डर गई थी। तो बस यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, था अच्छा लेकिन वाटरप्रूफ नहीं था। मुझे ना, मैं ज़्यादातर जो चीज़ें वाटरप्रूफ ही लेती हूँ उससे सही रहता है। तो है बड़ा मज़े का, लेकिन फिर बाद में इसका रिज़ल्ट पता चला कि कैसा है। तो फिर इसके बाद जो है ना, हाँ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ हाइलाइटर, जो कि हर किसी के मतलब फेवरेट होते हैं। मेरे भी हाइलाइटर, कुछ भी ना लगाओ सिर्फ हाइलाइटर लगा लो, समझो मुंह पे लाइटें जल गई हैं। बहुत फेस जो है ना निखर के आता है हाइलाइटर से। इससे पहले जो है ना मेरा मेकअप बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जब मैं समझो मेरी कज़न मेरी अभी जो हम लोग गए थे मंगनी में, तो मेकअप मेरे पास था ही नहीं कुछ। तो अनाबेल के पापा को मैंने कहा ना हाइलाइटर है ना आईलाइनर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन था। मैंने मेकअप ऐसा क्या हुआ था ना, बस कम चीज़ों में मुकम्मल मेकअप किया था, अच्छा लग रहा था। बस मेकअप करने का तरीका आना चाहिए, मेकअप करना आना चाहिए, चीज़ें चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, बस है ना तरीका आना चाहिए मेकअप लगाने का। तो हाइलाइटर देखो मैं कैसे मैं लगा रही हूँ मास्क के ऊपर, देखो, क्योंकि फेस तो मैं दिखा ही नहीं सकती आप लोगों को। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये है वन कलर, मतलब एक ही कलर का हाइलाइटर है। तो हाइलाइटर भी मैंने जो है ना बहुत सारे ले लिए। मेरी सिस्टर ने कहा कि अब ब्राइडल किट बनानी है तुम्हें, जो तुम हर चीज़ जो वो दो दो ख़रीद रही हो। मैंने कहा मैं जब दो तीन साल में चीज़ें ख़रीदती हूँ तो फिर बनता है ना। आप लोगों ने ज़रूर बताना है जब दो तीन सालों में मैं ऐसी शॉपिंग करती हूँ तो ज़रूर आप लोगों ने बताया। और ये फिर से मैं दिखा रही, देखो ये मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँ, इसमें सब कुछ जो है ना वो चाइनीज़ ज़बान में लिखा हुआ है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी है क्या लिखा हुआ है, जो मैं आपको नाम या कुछ भी। हाँ मेरा था कि मैं आपको सिर्फ जो है वो अपना मेकअप हॉल दिखाऊं, ठीक है। और ये मैंने जो है ना ब्लशन लिए हैं बिल्कुल ठंडे कलर, मुझे ना ऐसे पिंकिश और ऑरेंज कलर का मेकअप ज़्यादा ही पसंद है, ठंडा सा मतलब लाइट लाइट कलर से मुझे ज़्यादा पसंद है। मैंने ज़्यादा लाइट कलर ही लिए हैं तो आप देख सकते हैं। और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आई लव इट। मुझे ना मेकअप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने सारा कुछ ले लिया है, ख़रीद लिया है। और ये आईलाइनर देखिए आईलाइनर कैसा है, ये भी बड़ा मज़े का था। हाँ ये वाटरप्रूफ था, ठीक है। अब इसको चलो अभी ना इसकी पैकेजिंग जो है ना वो खोलते हैं। ये सील पैक है, इसको मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ। चलो इसको मैं खोलती हूँ फिर दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, मैं ऐसे 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 कर रही हूँ, ऐसे देख, मैं ऐसे खोल रही हूँ, मैंने कहा ये क्या चीज़ हुआ, ये पूरा पूरा मैंने खोल लिया। अब इसको मैं फिर से बंद करती हूँ और इसको ऐसे ऐसे खोलते हैं, देखो ऐसे खोलते हैं। और ये जो ना ये, हाँ ये देखें ज़बरदस्त। मैं इसी तरह का जो है ना, मुझे आईलाइनर लगाना ना बहुत मुश्किल लगता है। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। कहाँ रख दिया मैंने इसको, इसका ढक्कन कहाँ रख दिया मैंने, इसका ढक्कन कहाँ गया। ओ माय गॉड, ये मैं बंद कर देती हूँ। हाँ मुझे आईलाइनर लगाना बड़ा मुश्किल काम लगता है, मुझसे नहीं लगता है सीधी बात। तो मैं ना इस तरह के ले लेती हूँ ना, तो ये क्या होता है कि आराम से जो है ना वो लग जाता है, ऐसे ऐसे मैं ना लगा लेती हूँ आराम से। अभी मुझे ना देखना, अभी मैं लगा सकती कि नहीं लगा सकती, अब देखना। वाओ ज़बरदस्त है ना, देखो तो
मुझे आईलाइनर वैसे लगाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है ना इस तरह के होते हैं, मैं लगा लेती हूँ, ऐसे ऐसे करके लगा लेती हूँ। मेरी आँखें जो है ना बहुत पतली भी है और लंबी भी हैं, और फिर मैं ऐसे आईलाइनर लगाती हूँ ना तो मेरी चूची चूची सी आँखें लगती हैं। तो यहाँ पर मैं रोहान को बार बार देख रही थी पीछे से, क्योंकि रोहान जो है ना रोई रोई लगा रखी थी इस वजह से। फिर कुछ मुझे लाइव भी रिकॉर्ड करना था कुछ, फिर मैंने फिर वॉइस भी किया था क्योंकि रोहान रो रहा था ना इस वजह से। तो यहाँ पर ये ब्रश है फाउंडेशन लगाने का, और हाँ फेस पाउडर जो है ना वो ऑयल कंट्रोल ही यूज़ करती हूँ मैं, मुझे यही ठीक रहता है। तो मुझे तकरीबन 5 साल हो गए मैं ऑयल कंट्रोल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अभी जो है ना मैं फिटमी का मतलब यूज़ कर रही थी, फिटमी पता नहीं कौन सा, अगर सिस्टर देख रही हो तो कमेंट्स में बताना कौन सा नेम है। और ये है मार्क्स जो कि है एलोवेरा का, एलोवेरा जेल का, अच्छा है मार्क्स, मैंने यूज़ नहीं किया, अब यूज़ करूँगी। और ये है पेंसिल जो है आईब्रो पेंसिल, इसमें 2 कलर दिए हुए हैं, एक ब्राउन है और एक जेट जो है ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर जो है ना वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे आईब्रोज है ना वैसे ही देख सकती हैं आप कितने ब्लैक हैं, बहुत ज़्यादा मेरे ना ब्लैक बाल हैं। तो मैं ना देखो अब जो है ना थोड़ा सा सेट भी कर लूँ ना, इतने बड़े बड़े बाल कर दिए, अब इसको थोड़ा बनाना तो पड़ेगा ही। थोड़ा इसको मैं सेट कर लूँ, देखो कितने बुरे लग रहे हैं। अल्लाह, अभी मैं ना बस कज़न की शादी जो है ना फटाफट आए तो मैं बनाने जाऊँ, अपना फेस थोड़ा ना क्लीन करवाऊँ कैसा हो गया है। और ये है ग्लिटर, नहीं ग्लिटर नहीं है ये, वो है शिमर है आई थिंक, पता नहीं क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, पर ख़रीद ली, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने ख़रीद ली। और मैं ये जो आइस पे लगा के भी दिखाऊँगी आँखों पर मतलब। और ये देखो अगर हम लोग आई शेड लगाएंगे ना उसके ऊपर अगर अप्लाई करेंगे ना बहुत ही अच्छा आता है निखर के। ये तो मैंने ऐसे ही बस आपको दिखाने के लिए जो है ना ऐसे लगा लिया, देखो कैसी लग रही है, चमक रही है ना मेरी आंखें, कैसी लग रही है। चू चू सी आँखें मेरी, जब मैं बचपन में मैं छोटी थी ना, मम्मा ने इतना काजल मुझे ठोका है, इतना ठोका है, लेकिन मेरी आँखें देखो कितनी छोटी सी हैं। मैं तो कहती हूँ कहने की बातें होती है कि ये बच्चों को जो है वो काजल लगाने से आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती है, वो तो ख़ानदान के ऊपर होता है। मेरे मैं अपने पप्पा पे गई हूँ तो मेरे पप्पा की आंखें ऐसी, तो मेरी भी आंखें ऐसी है। ज़रूरी नहीं है कि काजल और कुछ भी लगाने से आंखें ना बड़ी हो जाती है, तो हाँ खूबसूरती हो जाती है ऐसी बात नहीं है, आँखों में खूबसूरती होती है और भी बच्चों पर अच्छा लगता है। लेकिन चलो अब मैं कहाँ से कहाँ चली गई। और ये है वाइट पेंसिल जो कि आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, आप लोग खुद ही सहमति कीजिएगा पढ़ने की। जो कि ये भी मैं ना लगा के दिखाऊंगी किसी वीडियो में, ठीक है अभी तो सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। और ये है नेल पेंट जो कि मैंने लगाया हुआ है, और वाइप्स भी मैंने ले लिए थे वहाँ पर है ना सही प्राइस में मिल रहे थे, तो फिर मैंने एक पैकेट ये भी ले लिया। कभी ऐसा होता है ना कि मेकअप क्या होता है, और अभी तो ठंड भी है तो फिर है ना क्या होता है गैस भी नहीं होता है हमारा, तो पहली बात तो मैं फिर क्या करती हूँ कि है ना फिर मैं मेकअप जो है ना इससे रिमूव कर लेती हूँ। तो ये है शिमर जो आईज पे लगती है, ठीक है अब इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है मुझे ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताना। बस ख़रीद लिया इसका पूरा पैकेट, अब इसको मैं इस्तेमाल करूँगी, फिर इसका रिज़ल्ट वैसे मैं इसको स्वाइप करके दिखाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा था लेकिन देखते हैं। अच्छा इससे जो है ना ये लगाने से ना ग्लिटर जो है वो लगाने से आंखें बड़ी अच्छी लगती हैं, मैंने ना ट्राई की थी अनाबिया को लगा के, अभी तो मैं आपको स्वैग करके दिखा रही हूँ, देखो ये इस तरह टाइप का है, इस तरीके का है। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, ठीक है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब ये है कि जब मैं पूरा मेकअप करूँगी ना कम्प्लीट, फिर मुझे पता चलेगा क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं है। तो बस अभी इसको मैं फिर से रख देती हूँ, और फिर मैं आपको क्या दिखा रही थी, कुछ तो दिखा रही थी है ना, नहीं कुछ दिखा नहीं रही थी रख रही थी। तो चलिए इसको मैं ना रख देती हूँ, और बार बार जो है ना दरवाजे के पास मेरी नज़र जा रही है क्योंकि रोहान जो रह नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। अच्छा ये मेरे ख्याल से ये वाटर प्रूफ नहीं है क्योंकि मैं इसको ना ऐसे टच कर रही हूँ ना तो मेरे हाथों में आ गए, देखो ये मेरी फिंगर पे आ गए हैं इसको टच करने से, इसका मतलब ये वाटर प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये ऐसा है ना कि अगर आपने गर्मियों में लगानी है ना, हाँ तो ये वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपने गर्मियों में लगाना होगा
गर्मियों में लगा रहे हो तो आपके फेस का जो वो बैराग गर्क हो जाना है, ठीक है। बाकी ये है कि सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे और ये सारे कुछ प्रोडक्ट जो है मैंने बाय किए हैं, ठीक है। और मैंने कहा अनबॉक्स कर लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने ज़रूर बताना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सारे। तो ये है सारा कुछ सामान जो कि मैंने ख़रीदा है। अब जब मैं इनको ट्राई करूँगी, लगाऊँगी, तो मैं इसका भी दिखाऊँगी, मतलब रिज़ल्ट कि कैसा है ये, ठीक है। क्योंकि लगाने के बाद ही जो है ना वो चीज़ पता चलेगी। अब देखने से तो खूबसूरत ही लग रहे हैं। बस ले लिया, ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, सब कुछ उठा के ख़रीद लिया, ये भी चेक नहीं किया कि क्या चीज़ ठीक है। फाउंडेशन भी फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कैसा है और कैसा नहीं है, और लगाने के बाद जो है ना मेरा फेस कैसा, और ये प्राइमर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस अब इसको भी मैं ट्राई करूँगी और फिर इसका भी रिज़ल्ट जो है ना वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये थी मेरी मेकअप हॉल था ये मेरा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। और किसने ये फाउंडेशन जो है यूज़ किया है, अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा है तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेकअप हॉल कैसा लगा मेरा वो भी ज़रूर बताना कॉमेंट्स में। तो चलिए अभी जो है ना ये कुछ सामान था, ठीक है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि छोटे छोटे से कंसीलर जो है वो लगाने के लिए मैंने छोटू से ही ले लिए थे, और ये बेस फाउंडेशन लगाने के लिए मैं दो ले लिए थे। कितनी खूबसूरत पैकेजिंग है देखो ज़रा। और हाइलाइटर तो मुझे बड़े पसंद आते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस ये था मेकअप हॉल, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ, और आप लोगों ने ना लाइक करना है, ठीक है। और मेरे जो है ना क्या बोलते हैं, हाँ, वीडियो को ना बहुत सारा प्यार दिखाना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और बड़ी मुश्किल से जो है ना ये ब्लॉग मैंने शूट किया है, बड़ी मुश्किल से। अभी भी रूम का दरवाज़ा बंद है और रोहन बार बार आने की कर रहा है कि मम्मा मुझे आना है बाहर। तो कुछ वीडियो जो है ना वो मैं वॉइस में रिकॉर्ड करूँगी, कुछ जो है वो लाइव रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। और आप लोगों ने बताना है मेरे आइस जो है वो कैसे लग रहे, देखो ये क्या मैंने ख़राब कर दिया। और ये देखो आइलाइनर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए अब मैं यहीं पर करती हूँ वीडियो का एंड। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और वो मैं ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।